नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। जेबीटी काउंसलिंग में बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं, कोर्ट के आदेशों पर केवल दो लोगों को दी अनुमति। आयुष्मान भारत में गड़बड़ झाला, 3 लाख कार्ड बनाकर केंद्र को दे दिया 5 लाख का आंकड़ा। कल्पा में टूटा 28 साल का रिकॉर्ड, अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौत मामले का खुलासा, कई बीमारियों से पहले ग्रस्त थी महिला। कसौली में जुटेगी कांग्रेस की टॉप 30 लीडर की टीम, कांग्रेस प्रभारी के साथ बनेगी रणनीति। मंडी में जोश भर गए मुख्यमंत्री, बोले नगर निगम भी हम ही जीतेंगे। देवलुओं के नाम भूमि करे सरकार, सीएम से 2 करोड़ की ग्रांट भी मांगी। मेडिकल कॉलेजों में खूब उड़ रही कोविड नियमों की धज्जियां, आईजीएमसी में बिना मास्क एंट्री। और अब समाचार विस्तार से। जेबीटी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के आरएनपी रूल्स के मुताबिक 12वीं, डीएलएड व टेट की परीक्षा अनिवार्य है। जेबीटी की बैच वाइज भर्ती में बीएड करने वाले पात्र नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि बीएड करने वाले छात्र काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले 2 बीएड अभ्यर्थियों को कोर्ट के आदेशों पर प्रोविजनली काउंसलिंग में भाग लेने को कहा है। इस बीच प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने यह भी साफ किया है कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, इन दोनों याचिकाकर्ताओं का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसे में जेबीटी की काउंसलिंग प्रक्रिया एक बार फिर से उलझ गई है। बता दें कि वर्तमान में जेबीटी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के आरएनपी रूल्स के मुताबिक जेबीटी शिक्षक बनने के लिए 12वीं, डीएलएड व टेट की परीक्षा अनिवार्य है। वहीं अभी प्रदेश में बीएड शिक्षकों को जेबीटी के लिए मान्य नहीं किया है। केवल हाईकोर्ट तक पहुंचे 2 याचिकाकर्ता ही प्रोविजनली काउंसलिंग में जा सकते हैं। ये आंकड़ों का खेल है, योजना पूरी हो या नहीं, आंकड़े पहले ही जमीन पर आ जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना का भी यही हाल है। आयुष्मान भारत योजना को शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन हिमाचल में इसके पात्र 4.5 लाख परिवारों के अभी तक कार्ड ही नहीं बन पाए हैं। अभी केवल 3.5 लाख के ही आयुष्मान कार्ड हैं, जबकि राज्य की ओर से केंद्र सरकार को 4.5 लाख लोगों की लिस्ट मुहैया करवा दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पूरे कार्ड बनकर तैयार ही नहीं हुए हैं, तो केंद्र को किस आधार पर ये लिस्ट दी गई? ऐसे में जब मामला सामने आया है, तो अब कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 31 मार्च तक कार्ड बनाने का अंतिम दिन रखा गया है। लोगों को ये पता ही नहीं चला है कि कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। सबसे कम कार्ड कांगड़ा और शिमला जिला में बने हैं। और आइए जानते हैं अब मौसम का हालचाल। ग्लोबल वार्मिंग का असर प्रदेश के उन क्षेत्रों में भी दिखने लगा है जहां साल भर ठंड का एहसास होता रहता है। कल्पा में अधिकतम तापमान ने 28 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां का तापमान 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले 11 फरवरी 1993 में कल्पा का अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके अलावा अन्य जिलों में भी तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। जनजातीय जिलों में सर्दियों के मौसम में भी तापमान में हर साल बढ़ोतरी होने लगी है। इस बार बीते सालों की अपेक्षा काफी कम बारिश हुई है। आने वाले दिनों में पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में 23 से 28 फरवरी को बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। गौर हो कि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से पहले भी तापमान में बदलाव आते हैं। कोविड वैक्सीनेशन के बाद हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत मामले में जांच कमेटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट हेल्थ सेक्रेटरी को सौंपी है। देखिए क्या कहा अधिकारी ने। कोविड वैक्सीनेशन के बाद हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत मामले में जांच कमेटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट हेल्थ सेक्रेटरी को सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि महिला पहले से ही 3 बीमारियों से ग्रसित थी। महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ऐसे में वैक्सीनेशन ही मौत की असली वजह है, ये इससे साफ नहीं होता। बहरहाल अभी महिला की बिस्रा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बिस्रा रिपोर्ट 2 से 3 सप्ताह बाद आएगी। सचिव ने बताया कि अकेले कोविड वैक्सीनेशन को ही इसकी मौत की वजह बताना तर्कसंगत नहीं है। महिला को पहले से किडनी और हार्ट की बीमारी भी थी। वहीं तीसरे चरण में होने वाले वैक्सीनेशन में 50 साल से ऊपर और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में सचिव ने बताया कि जरूरी नहीं वैक्सीन हर व्यक्ति को रिएक्शन करे, क्योंकि हर एक का इम्यून सिस्टम अलग है। इसके अलावा जो अन्य बीमारियों से ग्रसित है, उन्हें वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोविड पहले ऐसे लोगों को ही अपना शिकार बनाता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है।
प्रदेश में कांग्रेस अपनी पुरानी फॉर्म में लौटने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक शीघ्र ही सोलन के कसौली में होगी। कांग्रेस पार्टी के टॉप 30 लीडर की टीम 27 फरवरी को कसौली में जुटेगी। कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला यहां विशेष रूप से पहुंच रहे हैं। लंबे समय के बाद कांग्रेस की यह बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक मामलों एवं चुनाव रणनीति के अलावा समन्वय समिति में शामिल नेता मौजूद रहेंगे, क्योंकि वीरभद्र सिंह बीमार हैं और इन दिनों कुठाड़ में हैं, लिहाजा वहां से नजदीक कसौली में ही पार्टी की यह अहम बैठक रखी गई है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के अलावा वीरभद्र सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। बताया जाता है कि पार्टी प्रभारी ने वीरभद्र सिंह से बातचीत करने के बाद यह बैठक कसौली में रखी है, जिसमें दो सेशन किए जाएंगे। राजनीतिक मामलों एवं चुनाव रणनीति से संबंधित कमेटी यहां नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा करेगी, साथ ही विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भी बात की जाएगी। मंडी संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय अभ्यास वर्ग के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जयराम ठाकुर ने वहां हाजिर तमाम कार्यकर्ताओं में खूब जोश भरा। देखिए क्या कहा सीएम ने। मंडी संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय अभ्यास वर्ग के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जयराम ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा समर्थित उम्मीदवार पंचायत, नगर परिषद और जिला परिषद चुनावों में विजयी होकर आए हैं, उसी तरह मंडी नगर निगम चुनावों में भाजपा अपना परचम लहराएगी। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अभी एक दौर बीच में एक और आएगा, जिसमें कॉर्पोरेशन के चुनाव है। हमने हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों का गठन की बात किया, 15 वर्षों के बाद 389 नई पंचायतें बनाई और उसके बाद कॉर्पोरेशन 3 जगह से मांग की, हमने बना दी, हमने बना करके दे दी, अब जिता करके आप देंगे और जीतनी है। हर हालत में जीतनी है, इसके लिए मैं आप सबसे सहयोग चाहूंगा। मंडी की कॉर्पोरेशन पूरी चाहिए, सारी की सारी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 4 नए नगर निगम बनाए हैं, जिनमें 3 में कांग्रेस विधायक व 1 में भाजपा विधायक है, परंतु मंडी नगर निगम में विधायक अनिल शर्मा भाजपा के होने के बाद भी कहीं भी नजर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रशिक्षण वर्ग में जरूर आना चाहिए था। और ये भी परिस्थिति इस प्रकार की है कि हिमाचल प्रदेश में जहां 3 कॉर्पोरेशन बनाई है, वो अपने हिसाब के विधायक नहीं है, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो मंडी है। मंडी में आप विधायक को अपना है, लेकिन वो उनका है, कहीं मिल जाते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं। प्रशिक्षण वर्ग में कभी लाना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ करके सोलन में वहां पर भी धनी कांग्रेस है, तो ये अच्छी परीक्षा होगी। सर्व देवता कारदार समिति ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर उनका ध्यान देवलुओं की समस्याओं की ओर खींचा है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि आयोजन से पहले सर्व देवता कारदार समिति ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर उनका ध्यान देवलुओं की समस्याओं की ओर खींचा है। देवता समिति ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्राचीन देवी देवता मंदिरों के आसपास भूमि है, उस भूमि को देवताओं के नाम किया जाए, ताकि वहां पर विकास कार्य करवाए जा सके। देवता समिति ने मुख्यमंत्री से देव सदन मंडी का काम भी शीघ्र करवाने की मांग की है। इसके साथ ही शिवरात्रि महोत्सव के आयोजन के प्रशासन को कम से कम 2 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का भी आग्रह किया है। हमारी कई सदियों से देवी देवता जो है आबादी में बैठे हुए हैं और वहाँ उनके मंदिर इत्यादि बन गए हैं। वहाँ हम चाहते हैं कि शौचालय बनाए, स्नान बनाए, वातावरण भी वहाँ दूषित हो रहा है, तो स्वच्छता अभियान के तहत अगर हम शौचालय बना जाते हैं वहाँ, तो वहाँ हमारा शौचालय नहीं बन सकता, ये भूमि नाम नहीं देवते की। तो हमने ये गुहार लगाई कि ये भूमि जो है देवते के नाम की जाए, कि काफ़ी सदियों से इसमें देवते बैठे हुए, ताकि हम पब्लिक को इसकी छूट दे सकें। आज हम आपको 2 बड़े मेडिकल कॉलेज की ओपीडी दिखाएंगे। आप खुद ही बताइए कि क्या इस तरह से कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। देखिए नेरचौक और शिमला से ये रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में सोमवार को ओपीडी और कैश काउंटर पर लोगों की भीड़ इस कदर उमड़ी मानो अब किसी को भी संक्रमण का कोई डर ही न रहा हो। आईजीएमसी के पर्ची, कैश काउंटर और एसआरएल लैब के कुछ वीडियो ऐसे सामने आए हैं। यहाँ एक कमरे में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे ठूंस ठूंस कर भरे हुए हैं, चलने लायक तक जगह नहीं बची है।
अब लोगों की लापरवाही इस कदर बढ़ चुकी है कि अस्पताल में भी ज्यादातर बिना मास्क के ही चेकअप करवाने के लिए आ रहे हैं। उधर करीब 10 महीने के बाद नेर चौक मेडिकल कॉलेज में सोमवार से ओपीडी शुरू हो गई, जहां दर्जनों मरीज इलाज के लिए पहुंचे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग कैसे हुआ होगा, ये समझा जा सकता है। नेर चौक मेडिकल कॉलेज के डिप्टी MS डॉक्टर राकेश मोहन ने बताया कि यहां ओपीडी चलाने के पूरे प्रबंध किए गए हैं और कोविड के नियमों का भी पूरा पालन किया जा रहा है। और अब चलते चलते राज्य मंत्रिमंडल की बैठक कल सचिवालय में होगी। राज्यपाल के बजट अभिभाषण को कैबिनेट देगी अपनी मंजूरी। ऊना के अंब मंसोह रोड पर जंगल में युवक व युवती की गली सड़ी लाशें, संदिग्ध अवस्था में मिलने से फैली सनसनी। लंच के पास कार चालक ने कुचला 18 साल का युवक, अपने भाई को खाना देने जा रहा था अभागा। 2015 में नियमित हुए पैरा टीचर ने मांगे सभी वित्तीय लाभ, पुरानी पेंशन बहाली का भी उठाया मुद्दा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।